Hello students, today we will study the real sequences in the continuation of the yesterday lecture. Yesterday we have studied real sequences and their convergence. और वो पूरा treatment हमने देखा कि अगर sequence का convergence हमें जानना है तो उसका क्या treatment है हमारे पास, जो उसकी proper definition से convergence की वो हमें देखनी है, यानी कि हमें एक M positive integer search out करना होता है वहाँ पे, है ना? इसकी existence देखनी होती है F शायदा की correspond में कि ये exist कर रहा है या नहीं कर रहा है, है ना? अगर ये positive integer exist कर गया तो converge कर गया वो sequence उस limit point पे, otherwise नहीं. तो कल हमने ये देखा था और इसके साथ साथ में हमने एक result भी study किया कि every convergent sequence bounded, है ना? और उसका कन्वर्स भी हमने डील किया कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, वो भी हमने उसको भी देखा प्रूफ किया दो लाइन में, है ना? आज उसी के कंटिन्यूशन में एक रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस वन एंड ओनली वन पॉइंट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. ए सीक्वेंस कन्वर्जेस वो एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. भाई एक सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, यही आपका रिजल्ट है. या आप ऐसे कह सकते हैं अ सीक्वेंस SN कन्वर्जेंस एट converges to a unique limit point. Converges to a unique limit point. Unique limit. ठीक है. अब इसका प्रूफ भी दो लाइन का है, चाहो देख लो. जितनी थ्योरी आपके पास है सीधी सीधी वही अप्लाई करनी है, उससे अलावा कुछ नहीं करना है, है ना? तो आपका आपको प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट एक सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो वो यूनिक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है. चलो मान लेते हैं कि वो यूनिक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती, उसके दो पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, है ना? लेट L एंड L डैश आर द टू पॉइंट एट व्हिच टुवर्ड्स द कन्वर्जेंस टुवर्ड द सीक्वेंस SN कन्वर्जेस, है ना? मान लेते हैं कि इन दो पॉइंट पे कन्वर्ज करती है. तो चूंकि आप एप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे तो एप्सिलॉन को क्यों ना मान के चलें. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेते ना, एक काम करो कि एल माइनस एल डेक्स अगर दोनों पॉइंट लिमिट पॉइंट डिफरेंट है, यानी कि एल इज नॉट इक्वल टू एल डेक्स, दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट आप लेके चल रहे हैं, है ना? तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, उसका मॉडुलस क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, क्योंकि आप जब कन्वर्जेंस चेंज करते हैं तो फोर ही चेप सहायता करते हैं, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी कन्वर्ज करना चाहिए आपका, है ना? तो चलिए आप ये लेके चलते हैं. एप्सिलॉन आपने ये ले लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट. अब सिंस द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, है ना, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस. इफ द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ लिमिट पॉइंट एल, इफ द सीक्वेंस SN कन्वर्जेस टू अ लिमिट पॉइंट एल, देन टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर M1 or M or M2, you can write anything, है ना? I plus such that क्या? कि modulus of SN minus L is less than epsilon whenever M whenever N is greater than equals to M1. ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात. अब हम कह रहे हैं कि SN के एक नहीं दो लिमिट पॉइंट है, SN कन्वर्ज तो करती है, दो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, इम्पॉसिबल. ये कैसे मान के चल रहे हैं? तो यहाँ भी अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा कि फोर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव इंटीजर M2 एग्जिस्ट करेगा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना? सच दैट मॉडुलस ऑफ SN माइनस L डैश इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर M2 is greater than whenever N is greater than equals to M2, है ना? Very good. चलिए तो ये दो आपके पास ही, अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये होगा, है ना? इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर
अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक m सिलेक्ट करेंगे, लेट स्मॉल m इज द मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2। ये हम इसलिए करते हैं भैया क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस l पे कन्वर्ज करती है और m1 ऑनवर्ड्स जितनी भी टर्म है वो l के नेबरहुड में चली जाती है, फिर हम कहते हैं कि वही सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है l डेक्स पे, और m2 ऑनवर्ड्स जितनी भी टर्म्स हैं है ना वो किस में चली जाती है, एल डेक्स के नेबरहुड में, एल डेक्स के नेबरहुड में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों का हम मैक्सिमम लें भाई, इससे आगे की जितनी टर्म है वो एल के नेबरहुड में, इससे आगे की जितनी टर्म है तो वो एल डेक्स के नेबरहुड में, यानी कि अगर दोनों के मैक्सिमम की बात करें M1 और M2 का जो मैक्सिमम है तो उसके बाद की सारी टर्म भी तो एल और एल डेक्स के नेबरहुड में जानी चाहिए है ना, तो भी तो वो इनफाइनाइट ही जाएंगी। चलिए तो हमने उसका ले लिया एम डेक्स, ठीक। देन एल माइनस एल डेक्स कैन बी रिटन एज एस एन एल माइनस एस एन प्लस एस एन माइनस एल डेक्स लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इट कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल्स टू एल माइनस एस एन एंड प्लस बाय द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एस एन माइनस एल डेक्स बाय द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करें, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, और जब ये लेस देन एप्सिलॉन है तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 भी होल्ड करेगा, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 भी होल्ड करेगा, तो ठीक है इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रख देते हैं, और इसकी जगह भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रख देते हैं। फॉर ऑल एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है ना, फॉर ऑल एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, क्योंकि ये जो कन्वर्ज करता है एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम1 के लिए कन्वर्ज करता है, ये जो कन्वर्ज करता है एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम2 के लिए कन्वर्ज करता है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है एक साथ जो कन्वर्ज करेंगे उस एम के लिए कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट एल माइनस एल डेक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मान के चले, एप्सिलॉन की वैल्यू मान के चले 1/3 एल माइनस एल डेक्स। भाई ये भी तो हो सकती है आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि फॉर ईच एप्सिलॉन आप डील कर रहे हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन आप डील कर रहे हैं, तो यहां से क्या निकल गया, दिस इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ एल माइनस एल डेक्स इज लेस देन 1/3 एल माइनस एल डेक्स विच इज कंट्राडिक्शन, इज नॉट पॉसिबल है ना, विच इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब कि जो लिमिट पॉइंट होंगे वो आपके पास यूनिक होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होगा है ना। इसके बाद एक रिजल्ट भी आया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज द यूनिक लिमिट पॉइंट है ना, ये भी एक रिजल्ट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज यूनिक लिमिट पॉइंट एंड हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। भाई पिछले दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर देना तो ये एक रिजल्ट बन जाता है, पिछले दोनों रिजल्ट को हमने पहला रिजल्ट क्या पढ़ा था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, और दूसरा रिजल्ट पढ़ा हमने अ सीक्वेंस कन्वर्जेंस टू ए यूनिक लिमिट पॉइंट है ना, यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपका ये रिजल्ट बन जाता है। चलिए ये तो होगी कन्वर्जेंस की कहानी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट से हम क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस अपॉइंट जाए, राइट डाउन अपॉइंट जाए इज सेड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एस एन इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जाए, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जाए कंटेन्स
infinite number of elements of, if every neighborhood of J contains infinite number of element of the, infinite number of terms of the sequence, not element, entire infinite number of terms of the sequence. What does it mean? इसका मतलब क्या हो गया कि for each epsilon greater than zero, for each epsilon greater than zero, there for each epsilon greater than zero, the Sn minus J is less than epsilon for infinite number of terms, infinite number of terms, है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, ये जाई के नेबरहुड में सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो चले जाएंगे एप्सिलॉन नेबरहुड में, यानी कि एसएन जो है बिलोंग करेगा जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन, है ना, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जाई के नेबरहुड में होगी. तो जाई क्या कहलाएगा भाई, इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा, सीधी सी सी बात, जाई इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं रेंज सेट के बारे में, अगर रेंज सेट से मुझे बताना हो कि सीक्वेंस के पास सीमित पॉइंट है या नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा. अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है, रेंज सेट क्या है, इनफाइनाइट है, और जो भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, जो भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो किसका होगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा. कैसे भाई, भाई आपका रेंज सेट इनफाइनाइट जा रहा है ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर फर्स्ट क्लास रेंज सेट आपका बाउंडेड हो गया, देखो एनालिसिस आपको कैसे लेके चलनी है, अगर रेंज सेट सीक्वेंस का बाउंडेड हो गया तब तो सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, यहां से भी कह सकते हैं आप. कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज अ लिमिट पॉइंट. इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट इन द सेट ऑफ टोपोलॉजी, इन द टोपोलॉजी ऑफ सेट्स, क्या रिजल्ट था हमारे पास, अभी बोलजानो विस्टास थ्योरम, क्या कहती थी बोलजानो विस्टास थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट. तो यहां पे अगर आपका सेट इनफाइनाइट हो गया, रेंज सेट इनफाइनाइट हो गया, बाउंड्री हो गया, तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो गया, और वो जो सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो अपने लिमिट पॉइंट क्या करेगा, अपने नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखेगा, यानी कि वो जो सेट का लिमिट पॉइंट है वो सेट के भी सेट के नहीं रख रहा है, वो सीक्वेंस के ही रख रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. अरे वो सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अपने अंदर रख रहा है, तो वो पॉइंट क्या बन गया भाई साहब, लिमिट पॉइंट बन गया सीक्वेंस का. ठीक है, तो अगर आपका रेंज सेट किसी भी सीक्वेंस का बाउंडेड आता है और इनफाइनाइट आता है, तो आप हमेशा कह देंगे सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है, क्योंकि सेट के पास भी लिमिट पॉइंट है. ठीक है, लेकिन अगर वो फाइनाइट आता है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइनाइट आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि सीक्वेंस में तो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी, है ना, वो रेंज सेट के किसी एक पॉइंट पे चली गई, है ना, यानी कि Sn इक्वल्स टू L हो गया फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. ये बड़ी गहरी एनालिसिस है ना, कि सीक्वेंस की जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो किसी एक पॉइंट पे चली गई रेंज सेट के, तभी तो उसका रेंज सेट फाइनाइट हुआ, तभी तो उसका रेंज सेट फाइनाइट हुआ, है ना. एक कम से कम एक पॉइंट ने ऐसा किया कि सीक्वेंस की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एब्जॉर्ब कर ली, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं, उसके जितने भी फाइनाइट जो पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसमें, वो सारे भी अलग अलग इनफाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यूज लेके एक लिमिट पॉइंट अपना बना सकते हैं, है ना, सीक्वेंस का. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज सेट अगर आपका फाइनाइट हुआ तो भी लिमिट पॉइंट रखेगा, और इनफाइनाइट होके बाउंडेड हो गया तो भी लिमिट पॉइंट रखेगा, है ना. अब अगर वो इनफाइनाइट हो गया, अनबाउंडेड हो गया, तब की गारंटी नहीं है. अगर वो इनफाइनाइट हो गया, क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, तब की कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा. तो ये कहानी थी लिमिट पॉइंट की. साथ में चलते चलते एक जो रिजल्ट है, विलिस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम फॉर द सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस,
और लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस है ना, जो लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता है, तो वो क्या है बोल जानो विरिस्टास थ्योरम। ठीक है विरिस्टास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये है आपका रिजल्ट कि अगर सीक्वेंस कोई बाउंडेड होगी तो 100% उसके पास क्या होगा एक लिमिट पॉइंट होगा, इट गारंटी। ठीक भाई, जब ये रिजल्ट आपने पढ़ा था सेट के लिए, तो सेट के लिए बस क्या फर्क था एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एज ए लिमिट पॉइंट, वहां पे इनफाइनाइट जोड़ के चलते थे क्योंकि सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ द सीक्वेंस इसमें हमेशा टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगे है ना, तो इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट इसमें लेके नहीं चलते, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एज ए लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट तो अंडरस्टूड है ना, अगर उसमें सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो तो इनफाइनाइट है ना, वो बाउंडेड भी हो जाए तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब इसका प्रूफ अगर देखना है आपको तो दो लाइन का प्रूफ है, वैसे तो आप बुक में जाएंगे तो पूरा वो डिक्टेट किया हुआ है आप आसानी से उसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दो लाइन में समझा देता हूँ कि उसमें करना क्या होता है आपको, कि भाई साहब आपको क्या मान के चलो आप एक बाउंडेड सीक्वेंस लेके चलो और आपको प्रूफ क्या करना है कि उसके पास लिमिट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैंने मान लिया कि एक ऐसी नई सीक्वेंस है मेरी जो क्या है बाउंडेड सीक्वेंस है, और अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है ठीक है तो इसका रेंज सेट भी क्या होगा बाउंडेड होगा, इसका रेंज सेट भी क्या होगा बाउंडेड होगा, यही बाउंडेड होगा है ना, और रेंज सेट बाउंडेड होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये तो भाई साहब आपका रेंज सेट होगा फाइनाइट, क्या होगा फाइनाइट, यह होगा आपका रेंज सेट इनफाइनाइट, दो ही केस होंगे इनफाइनाइट बाउंडेड होगा या फाइनाइट बाउंडेड होगा, अगर आपका रेंज सेट फाइनाइट हुआ और बाउंडेड भी है ना, रेंज सेट आपका क्या हुआ फाइनाइट हुआ और बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा रहा रेंज सेट का जिसने सिक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अपने एप्सिलॉन नेबरहुड में रखे हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये रहा कि एसएन जो है इक्वल्स टू जाहिर है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन के लिए एसएन बराबर क्या रहा है आपका जाहिर है ना, तो कम से कम एक पॉइंट ये हाल करेगा आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया जाय इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट, जाय इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, रेंज सेट का नहीं क्योंकि रेंज सेट तो आपका फाइनाइट है, फाइनाइट सेट कोई लिमिट पॉइंट नहीं लगता है, ठीक है, तो जाय क्या करेगा अगर फाइनाइट है आपका रेंज सेट तो कम से कम वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन की एसएन बराबर जाय हुआ होगा, कम से कम एक पॉइंट जाय फाइनाइट का ऐसा रहा होगा, फाइनाइट सेट का ऐसा रहा होगा रेंज सेट का कि जो जिसने सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के इक्वल रहा होगा है ना, तो इस लिहाज से जाई जो है क्या बन जाएगा लिमिट पॉइंट बन जाएगा किसका सीक्वेंस का, तो इस केस में तो आपका सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिल गया, और अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड तो ही है ना, तो बाय द बोल जानो विरिस्टास थ्योरम, बाय द बोल जानो विरिस्टास थ्योरम फॉर द सेट, सेट के लिए अगर आपने पढ़ी हो फॉर द सेट है ना क्या होता है हैज ए लिमिट पॉइंट, इसके पास क्या होगा एक लिमिट पॉइंट होगा, और जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होता है वही सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है रेंज सेट के ना, जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होता है वही रेंज सेट की जो सीक्वेंस है उसका भी लिमिट पॉइंट होता है, तो छोटा सा प्रूफ था इसका कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, our next class will be based on the limit inferior and limit superior and it's really interesting topic, so see you in the next class, thank you very much.